हाय स्टूडेंट्स, आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा मार्केट नंबर थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था मोनोपोली मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये टॉपिक देखने से पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट देखना है, देन आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन समझ में आएगा। क्यों? इसका रीज़न क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो होता है वो दोनों का मिक्सअप होता है, मीन्स किसका, मोनोपोली का एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। कुछ फीचर्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं मोनोपोली मार्केट के एंड कुछ फीचर्स आपके आ जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। दोनों का फीचर्स मिलकर एक न्यू मार्केट क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो आपके शॉर्ट नोट्स के लिए रहते हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या बोला गया है। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसलिए बोला गया था इंपॉर्टेंट है, पहले आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर्स पता होना चाहिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट पता होना चाहिए। बोला गया कुछ फीचर्स आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन करेंगे एंड सम फीचर्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट, कुछ फीचर्स आपके क्या रहेंगे, मोनोपोली मार्केट के रहेंगे, एक्टिंग टूगेदर मीन्स मिक्सअप रहता दोनों का। दिस मिक्सचर ऑफ द टू मार्केट गिव्स बर्थ टू ए न्यू फॉर्म ऑफ मार्केट इज नोन एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मीन्स दोनों का मैंने बताया था मिक्सचर रहेगा, मीन्स मिक्सअप रहेगा दोनों मार्केट का, किसका, मोनोपोली का एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का। अभी जो आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है इसको दिया किसने, चैम्बरलिन ने दिया, प्रोफेसर ए एच चैम्बरलिन ने दिया। इनके बुक का नाम क्या था, थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और कौन से ईयर में दिए थे, इन 1933। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रोफेसर ई एस चैम्बरलिन कॉइंड दिस कॉन्सेप्ट इन हिज बुक, दिस कॉन्सेप्ट मीन्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को इन्होंने दिया था। इनके बुक का नाम थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एंड कौन से ईयर में दिए थे, विच वॉज पब्लिश इन 1933, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, 1933। तो आपका मार्केट आप देखोगे बहुत सिंपल सा मार्केट है, मार्केट ये बोलता है कुछ फीचर्स आपके आ जाते हैं मोनोपोली मार्केट है, कुछ फीचर्स आपके आ जाते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के, जहाँ पे दोनों का मिक्सअप हो जाएगा एक न्यू मार्केट क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बोलते हैं। आइए इनका डिफाइन देखते हैं, जो सेम राइटर ने दिया मिस चैम्बरलिन का डिफाइन है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन रिफर्स टू ए कॉम्पिटिशन एमंग ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जहाँ पे कंडीशन बोला गया सेलर तो बहुत सारे रहेंगे, प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज रहेगा बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा, मीन्स इनका जो कुछ का प्रोडक्शन रहेगा क्लोज रहे होने वाला है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं रहेगा। ये जैसे आपने मार्केट में देखा रहेगा पेप्सी एंड कोको कोला का एग्जांपल आप देख सकते हो, दोनों क्या है सब्स्टिट्यूट्स हैं बट मीन्स जो का प्रोडक्शन है वो क्या है क्लोज है बट एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स नहीं होते। देन इसके आप बात करते हैं फीचर्स का, फीचर्स के पॉइंट यहाँ पे जैसे लिखे गए, लार्ज नंबर ऑफ दिस बायर, बायर की संख्या इस मार्केट में क्या रहती है बहुत ही ज़्यादा रहती है, मीन्स लार्ज रहती है, और बायर हर मार्केट में क्या होते हैं प्राइस टेकर होते हैं क्योंकि उनको प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पे एक फायदा रहता है कि इनके पास मीन्स जो भी गुड्स की कॉमोडिटी की वैरायटीज रहती है वो ज़्यादा रहती है, मीन्स ऑप्शनल रहते हैं एज पर देयर नीड एंड बजट के अकॉर्डिंग, वो अपने गुड्स को जो गुड्स का जो क्वालिटी का गुड्स उनको चाहिए वो प्रीफर करते हो। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ सेलर, किस मार्केट में सेलर बहुत सारे रहते हैं, बट यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का सिर्फ प्राइस नहीं करो, जो सेलर रहेगा हर इंडिविजुअल सेलर अपने मीन्स अपने प्रोडक्ट का प्राइस मेकर रहता है, बट वो प्राइस कैसे डिसाइड करता है अपने कॉम्पिटिशन लेवल को देख के, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर क्या प्राइस रख रहे हैं मार्केट में, क्या कंडीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस टेकर मीन्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्या रहता है इसमें टॉपिक्स में कि भाई तुम्हारा अपने पूरे मार्केट में सप्लाई पे कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे और कंपनीज हैं, सिर्फ अपने ब्रांड पे पूरा कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट हमारा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था पेप्सी एंड कोको कोला का एग्जांपल आप देख सकते हो, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है मींस, तो इस मार्केट में एक एडवांटेज रहता है भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल रहते हैं कि इन केस अगर सेलर को मीन सॉरी बायर को अगर आपके दूसरा गुड्स कोई प्रेफर करना तो प्रेफर करते कर सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स गुड्स अवेलेबल इस मार्केट में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट आप जैसे देख जानते हो कि जो कॉस्ट हमारा सेल को लेकर चलता है, तो सेलिंग कॉस्ट में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप किसका दे सकते हो, एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दे सकते हो कि कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, ज्यादा खर्चा करते हैं, क्यों खर्चा करते हैं, ताकि उनका सेल्स जो टर्नओवर जो है ज्यादा है, तो सेल्स को लेके मीन्स इसको लेके जो कॉस्ट लगने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में दो कॉस्ट लगता है, एक तो हमारा सेलिंग कॉस्ट लगता है, दूसरा हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या रहता है प्रोडक्शन कॉस्ट में जो उसको बनाने में कॉस्ट लगा वो प्लस करते हैं सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट में एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल चाहे न्यूज़पेपर हो मैगजीन्स हो जिसपे भी वो लोग क्या किए रहेंगे एडवर्टाइजमेंट किए रहेंगे वो हमारा क्या रहता है सेलिंग कॉस्ट रहता है।
नेक्स्ट बोला गया फ्री इंडिया एग्जिट, इट मींस होता है कोई भी फॉर्म अगर एंट्री करना चाहते तो एंट्री कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट है तो एंट्री कर सकते हो, अगर उनको प्रॉफिट नहीं होता मींस कंपनी लॉस में जा रही है, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देन वो कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं लीव कर सकती है मार्केट को। नेक्स्ट हमारे क्या रहते हैं, इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है कि हर प्रोडक्ट जैसे एग्जाम्पल बेस्ट मैंने दिया था कोको कोला का एग्जाम्पल है, पेप्सी का ले सकते हो, कि प्रोडक्ट आप सिमिलर नहीं रख सकते हो, कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करना पड़ेगा, सपोज उसके स्मेल में चेंजेस करना पड़ेगा, पैकिंग में चेंजेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का जो भी फीचर्स रहता है तो प्रोडक्ट का क्या करा देते हैं, पेटेंट या ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट करा देते हैं, इसलिए आप दूसरे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उनसे थोड़ा सा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, आप सिमिलर नहीं रख सकते हो। लास्ट हमारा क्या है, डिमांड कर, तो डिमांड कर इस मार्केट में क्या रहता है, डाउनवर्ड रहता है, डाउनवर्ड डिमांड कर में, डाउनवर्ड डिमांड कर का मीन्स होता है कि आपका अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा, तो इस मार्केट में इसलिए होता है, इसका रीजन ये होता है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कि इस मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, तो इतने से अगर आप अपने गुड्स का प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर जो रहेंगे दूसरे ब्रांड के ऊपर चले जाएंगे, मीन्स दूसरा आपके जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स अवेलेबल रहेगा उसके पास रहेंगे, इसका मतलब प्राइस आपने अगर इंक्रीमेंट किया तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस मार्केट में क्या रहता है, डिमांड का जो भी रहेगा डाउनवर्ड स्लोप रहेगा, मतलब अगर सेलर अपने प्राइस को इंक्रीमेंट करना चाहता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्राइस को डिक्रीज करेगा तो डिमांड क्या रहेगा, उनका इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स डिमांड का इस मार्केट में डाउनवर्ड रहता है। तो ये आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का मीन्स मीनिंग डिफाइंड एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।